Welcome. Welcome to the Sinvad Credit Scheme. On Sinvad Credit Scheme, so we start with taking Sinvad Credit. What are the conditions for taking Sinvad Credit? ये देख लेते पहले. So सबसे पहले Sinvad Credit तो लेना है ना, we have to get. So Sinvad Credit is something like जैसे थाली में खाना परोसा गया, so that is taking credit. And खा लिया, that is utilization. लेना और use करना, दो aspects आप देख लीजिए. लेने का मतलब है you are making a book entry, just like say purchase account debit, Sinvad receivable account debit to supplier account or to bank account. So as simple as that. So it is taking credit, you are booking credit. So once you book the credit and you will utilize it, that's the case of utilization. So what we do is taking credit, to take Sinvad credit, what are the conditions? So the conditions are 41 to 46, a inputs and capital goods related, and 47 input services related. So we will discuss this first and we will go for input services next. Sabse pehle rule 41 dekhiye. So inputs, इनपुट्स की बात कर रहा हूँ. इनपुट्स पे कितना मिलेगा? 100% क्रेडिट मिलेगा. 100% मीन्स यू हैव परचेज्ड 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड 10 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल पे 1,00,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी है, पूरा 1,00,000 तुरंत ले लो. तो कब ले सकते हो क्रेडिट, उसके बारे में भी बताया गया. सो 100% पूरा क्रेडिट तुरंत ले सकते हो एट द टाइम ऑफ ब्रिंगिंग, द मोमेंट यू ब्रिंग इन द डेट ऑफ bringing the goods, that is inputs, in the factory or premises of the service provider, factory of the manufacturer or premises of the service provider. Okay, so it is on data bringing you can take credit. Before that nahi. Aapke paas invoice aa gaya, bill hai, le lo, galat hai, kyunki goods jab tak physically aapke premises mein factory mein nahi aate tab tak nahi le sakte. That is a basic rule. तो जिस दिन आता है उस दिन ले सकते हो, इसके बाद भी ले सकते हो, इससे पहले नहीं ले सकते. पेमेंट हो गया क्रेडिट ले लो, नहीं चलेगा. बिल हाथ में आ गया क्रेडिट ले लो, बिल्कुल ही नहीं चलेगा. कब चलेगा? बिल तो आपके हाथ में होना ही होना है, इनवॉइस होना ही होना है. इनवॉइस के साथ साथ फिजिकली गुड्स आपके फैक्ट्री में है, सर्विस प्रोवाइडर है तो प्रीमिसेस. सर्विस प्रोवाइडर का रिलैक्सेशन हम डिस्कस करेंगे. सो डेट ऑफ ब्रिंगिंग, और लेकिन लेने के लिए थोड़ा सा टाइम लिमिट है. कब तक ले सकते हैं? एक्सपायरी डेट है, यस, विद इन डेट ऑफ ब्रिंगिंग फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 1 ईयर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस पे जो डेट लिखा है उस डेट से 1 साल के अंदर लेना, याद रखना. पहले वो टाइम लिमिट नहीं था, अब तो हो गया. 1 साल के अंदर आपने बुक एंट्री नहीं की, बुक एंट्री एंट्री पास करनी है, आपने एंट्री पास नहीं किया तो भूल जाओ, आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है. सो यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू टेक इट, यू आर गेटिंग, सॉरी जस्ट अ मिनट. सो यू हैव टू टेक इट you have to take it within 1 year from the date of invoice. इसके बाद ले नहीं सकते. देख रहे invoice का date देख लीजिए, उस date से लेकर 1 साल के अंदर आपको credit लेना. ये condition services के लिए भी applicable है, capital goods के लिए नहीं है. और लेने के लिए time limit है, utilize करने के लिए कोई time limit नहीं है, कभी भी utilize कर सकते, लेकिन 1 साल के अंदर लेना. And capital goods के लिए रूल 42 इसमें दिया गया, कैपिटल गुड्स के लिए आपको नॉर्मली ए मैक्सिमम ऑफ 50% ही मिलेगा. बिल में जो ड्यूटी अमाउंट है, मान लो ड्यूटी अमाउंट 1,00,000 रुपया है, नॉर्मली जनरल प्रिंसिपल है मैक्सिमम 50% ले सकते हैं, मिनिमम कुछ भी ले सकते, मिनिमम 0.
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 50% ले सकते, इससे ज़्यादा नहीं। एक्सेप्शंस तो बाद की बात है, एक्सेप्शंस में तो ले सकते हैं, जनरल रूल। एंड रिमेनिंग 50% कहते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले लो, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपने लिया ही नहीं, कुछ भी नहीं लिया तो डोंट वरी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 400 ले लो। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 10% लिया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 90% ले लो, लेकिन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 50% से ज़्यादा नहीं ले सकते। एंड कब ले सकते हैं? अगेन डेट ऑफ ब्रिंगिंग इन द फैक्ट्री और प्रिंसिपल। लेकिन कब तक ले सकते हैं? इज देयर एनी टाइम लिमिट? नो टाइम लिमिट, कभी भी ले सकते हैं। कैपिटल गुड्स में क्रेडिट लेने के लिए कोई टाइम लिमिट रखा नहीं, लेकिन टाइम लिमिट तो नहीं है, बट इन योर ओन इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। डेट ऑफ ब्रिंगिंग नॉट ऑफ, नॉट बिफोर, पहले नहीं, इसके बाद ही, लाने के बाद ही। और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है सर्विस प्रोवाइडर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए। रिलैक्सेशन नंबर वन देखें, आप कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन देखिए, रूल 2A में दिया गया, मैन्युफैक्चरर पावर जनरेशन प्लांट यदि फैक्ट्रीज के बाहर रखता है वाटर पंपिंग के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, यदि बाहर अरेंजमेंट होता है फैक्ट्री से बाहर कहीं रखता है, तो वो पावर जनरेशन के लिए कैपिटल गुड्स फैक्ट्री के अंदर लाने की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह पावर प्लांट के पास लेके गया, आउटसाइड द फैक्ट्री वहाँ लेके गया, फिर भी क्रेडिट मिलेगा। मतलब ब्रिंगिंग गुड्स, कैपिटल गुड्स इन टू द फैक्ट्री, इन साइड द फैक्ट्री इज नॉट नेसेसरी एज फार एज द कैपिटल गुड्स आर कंसर्न फॉर जनरेशन ऑफ पावर प्लांट, वेयर दैट पावर इज कैपिटली यूज्ड बाय द फैक्ट्री, इन द फैक्ट्री। आपका एक मैन्युफैक्चरर है, उनका एक फैक्ट्री है एक जगह, और दूसरी जगह इनका पावर प्लांट है, लेकिन वो पावर प्लांट में जो भी पावर जनरेट होता है फैक्ट्री में यूज होता है, तो उस पावर प्लांट के लिए जो भी कैपिटल गुड्स सीधे पावर प्लांट पे लेके जा रहा है, फैक्ट्री में लेके नहीं आ रहा है, फिर भी वो एलिजिबल है। दो गुड्स नॉट ब्रॉट टू द फैक्ट्री, ब्रॉट इन टू द फैक्ट्री। सिमिलरली वाटर पंपिंग ऑफ वाटर, वाटर पंपिंग के लिए भी कोई इक्विपमेंट बाहर लेके जाता है, वहां पे लेके जाता है, यस एलिजिबल है। सो सेकेंड थिंग इज सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स अपने प्रेमिसेस में, अपने ऑफिस में लाने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्क स्पॉट पे लेके जा सकता है, जहाँ काम होता है वहाँ पे सीधा लेके जा सकता है। इस तरह का वहाँ जहाँ सीधा लेके गया, फिर भी बिल के साथ गया, तो फिर भी ही इज एलिजिबल टू टेक क्रेडिट। सो सर्विस प्रोवाइडर के लिए अपने प्रेमिसेस में, अपने ऑफिस में लाने की जरूरत नहीं है, जहाँ काम है वहाँ लेके जाओ, फिर भी एलिजिबल है। मैन्युफैक्चरर के लिए पावर प्लांट के लिए कोई वाटर पंपिंग वगैरह पर्पस के लिए तो आउटसाइड द फैक्ट्री लेके जा रहे, वहाँ भी एलिजिबल है। आपको कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन ढंग से पढ़ना, वहाँ मिलेगा ये मैन्युफैक्चरर के बारे में। ओके, सो इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स पे डेट ऑफ ब्रिंगिंग का इस तरह होता है। इनपुट्स के लिए तो एक साल के अंदर लेना पड़ता है क्रेडिट, कैपिटल गुड्स के लिए टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी ले सकते, लेकिन आफ्टर ब्रिंगिंग, डेट ऑफ ब्रिंगिंग, नॉट बिफोर, डन। अब कैपिटल गुड्स की कहानी कंटिन्यूएशन है, अभी इनपुट्स की कहानी खत्म हो गई, कैपिटल गुड्स के लिए और इन्फॉर्मेशन है। क्या है ये? कहते हैं आप कह रहे हो कि 50% ही ले सकते हो मैक्सिमम, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 50%? रिमेनिंग 50% लेने के लिए, रिमेनिंग 50% के लिए कब ले सकते हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये तो फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेट टाइम नहीं बता रहे, मंथ नहीं बता रहे। मतलब देखो टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकता है, आपने मशीन इक्विपमेंट लिया, लेके आए मार्च में, 50% मिल गया, तो ऑन 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को रिमेनिंग 50% ले लो, इसका मतलब 100% क्रेडिट मिल गया एक महीने के अंदर। डिपेंड्स, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 50% लेना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल को ले लिया तो गलत नहीं, बट इसके साथ कंडीशन क्या है? The goods must be in possession next financial year, remaining 50% लेने के लिए। ये आपके पोजिशन में है ही नहीं, चेक करो,
आपके पोजीशन में है तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते, क्योंकि पोजीशन में होना चाहिए, वो गायब हो गए, खत्म हो गए, कुछ भी हो सकता है ना, तो कैसे लोगे क्रेडिट? फिजिकली मौजूद होना चाहिए, तो मौजूदगी, पोजीशन, आपके पोजीशन में है, रिमेनिंग 50% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ले लो। अगर पोजीशन के लिए रिलैक्सेशन दिया, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, पोजीशन नॉट नेसेसरी, पोजीशन नॉट रिक्वायर्ड, कुछ गुड्स के लिए तो रिलैक्सेशन दिया, क्योंकि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक बचेंगे नहीं, पहले खत्म हो जाते, तो इसीलिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो पोजीशन में नहीं भी है फिर भी क्रेडिट मिलेगा। वो कौन से ऐसे गुड्स है जिनको ये रिलैक्सेशन दे रहा है, बिना पोजीशन के भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिमेनिंग 50% ले सकते हैं, वो है, मैं शॉर्ट फॉर्म में देता हूँ आपको, ACS DMR 68, ये फॉर्मूला ACS DMR 68 है, वो ACS DMR 68, ये मत समझना कि एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी है, दिल्ली मेट्रो रेल है, ऐसा मत समझना, किया सटिया गया 67 साल का हो गया, ऐसा मत समझना, ओके, सो सॉरी नॉट एसोसिएट, एक्सेसरीज कॉम्पोनेंट्स स्पेयर्स, आई रिपीट, एक्सेसरीज कॉम्पोनेंट्स एंड स्पेयर्स, डाइज मोल्ड्स रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स स्टील प्लांट के अंदर यूज करते, लाइनिंग वॉल, मतलब लाइनिंग मटेरियल है ये, जहाँ ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ लोहा पानी की तरह बहता है मेल्ट होके, साइड वॉल्स में लगाते हैं, ब्रिक्स की तरह, ईट की तरह होते हैं, मतलब इतने हेवी टेम्परेचर है, उतने हेवी टेम्परेचर को विथस्टैंड करते हैं रिफ्रैक्टरीज, वो ज़्यादा दिन होंगे नहीं, यहाँ जितने भी है, एक्सेसरीज कॉम्पोनेंट्स स्पेयर्स डाइस मोल्ड्स रिफ्रैक्टरी एंड रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, ये तो ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, जल्दी खत्म हो सकते हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं, एक साल से ज़्यादा रहेंगे कोई गारंटी नहीं, एंड 68 का मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड गुड्स लाइक ग्राइंडिंग व्हील्स अंडर चैप्टर 68 ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, टैरिफ एक्ट के अंदर 98 चैप्टर्स में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गुड्स दिए गए हैं, उनमें से चैप्टर 68 के कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेसिफाइड है, लाइक ग्राइंडिंग व्हील्स, वो एक्चुअली एक साल से ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं, इतना लंबा चलेंगे नहीं, फिर भी ये ख़त्म भी हो जाए, ये प्रोडक्ट्स ख़त्म भी हो जाए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पोजीशन में नहीं है, फिर भी आपको क्रेडिट मिलेगा, डन। सो कैपिटल गुड्स में नॉर्मली 50% ही मिलता है, एंड रिमेनिंग 50% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा यदि वो आपके पोजीशन में हो, लेकिन पोजीशन के बिना भी मिलेगा इनके लिए, ओके। बट व्हाट अबाउट स्पेशल केसेस, देर आर स्पेशल केसेस, सो स्पेशल केसेस में क्या होता है, 50% नहीं सीधा 100% मिलेगा, इंस्टेड ऑफ 50% 100% क्रेडिट इन सेम फाइनेंशियल ईयर, दीज आर स्पेशल केसेस, नॉर्मली जनरल रूल इज 50%, स्पेशल केस क्या है, 100% क्रेडिट इन सेम फाइनेंशियल ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 100% क्रेडिट मिलेगा। सो व्हाट आर द केसेस इन विच यू गेट 100% क्रेडिट इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, वो एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करूँगा, यहाँ पे समझाऊंगा, वो कौन कौन है। नंबर वन, एसएसआई यूनिट्स क्या होते हैं, ये तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर, एसएसआई का चैप्टर अलग से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनके लिए, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 4 करोड़ के ऊपर नहीं होता, 4 करोड़ या नीचे होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको एग्जम्पशन में मिलता है वैसे, यदि कोई यूनिट एसएसआई है उनका 1.5 करोड़ टर्नओवर तक ड्यूटी एग्जम्पशन मिलता है, 4 करोड़ से जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं हुआ वो एसएसआई माना जाता है, तो उसको 1.5 करोड़ तक का के टर्नओवर पे एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली 4 करोड़ का टर्नओवर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर आपका टर्नओवर 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं था तो करंट ईयर में आप 1.5 करोड़ तक एग्जम्पशन एंजॉय करो, एंड करंट ईयर आपका 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर 1.5 करोड़ तक एग्जम्पशन एंजॉय करो, इसको इस तरह स्पेशल स्कीम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
ये यूनिट जिनका टर्नओवर 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होता उनके लिए ये बेनिफिट है, दे कैन टेक सेनवेट क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स 100%, नॉट 50%। देखिए इनका कैश फ्लो पोजिशन इंप्रूव होगा। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने फैसिलिटी दी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वरदान है। अदर नॉन SSI तो 50% ही लेता है क्रेडिट, वेर एज SSI पूरा 100% तुरंत लेता है, ये तो एडवांटेज है। और अब एक स्पेशली रिसेंटली एक यूनिट है आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी आर्टिकल्स, सोना चांदी वाट एवर इट इज, आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी स्पेशल है। आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी वालों के लिए ये लिमिट 12 करोड़ दिया गया, जिनका प्रीवियस ईयर टर्नओवर 12 करोड़ तक, इससे ज़्यादा नहीं है, तो इनके लिए भी 100% क्रेडिट तुरंत मिलेगा। 12 करोड़ वाले ही स्मॉल स्केल, 12 करोड़ वाले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अदर यूनिट्स के लिए तो 4 करोड़ है, लिमिट में डिफरेंस है बस। एंड थर्ड केस इज स्पेशल CVD, इसी को SAD भी कहते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल CVD पेड बाय मैन्युफैक्चरर, नॉट सर्विस प्रोवाइडर, यू शुड बी वेरी केयरफुल। कुछ प्रोविजंस मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल है, कुछ प्रोविजंस सर्विस प्रोवाइडर के लिए। सो स्पेशल CVD पेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑन इंपोर्टेड गुड्स पे स्पेशल CVD जो पे करता है मैन्युफैक्चरर, उनको स्पेशल CVD पे तो 100% मिलता है, 50% नहीं, क्योंकि स्पेशल CVD का ट्रेडर को 100% रिफंड मिलता है, ट्रेडर को रिफंड मिलता है ऑन पार विथ ट्रेडर, ट्रेडर को 100% रिफंड मिलता है। और सेनवेट क्रेडिट तो 50% के अलाउ कर रहे हुए तो इश्यू था, जो भी हो अब स्पेशल CVD का क्रेडिट आपको कैपिटल गुड्स पे 50% नहीं बल्कि 100% मिलता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को बिल्कुल ही नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरर को मिलता तो कैपिटल गुड्स पे भी, इनपुट पे तो वैसे 100% मिलता ही है, कैपिटल गुड्स पे भी मैन्युफैक्चरर को स्पेशल CVD पार्ट 100% मिलता। CVD पार्ट में तो 50% मिलता, स्पेशल CVD का 100% मिलता। दिस स्पेशल CVD इज नथिंग बट सेल्स टैक्स पेबल ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ओके, एंड थर्ड फोर्थ कैटेगरी कैपिटल गुड्स रिमूव्ड एज सच इन सेम फाइनेंशियल ईयर। उसी जिस फाइनेंशियल ईयर में लेके आए उसी फाइनेंशियल ईयर में आप रिमूव कर रहे हो, सेम फाइनेंशियल ईयर में रिमूव करोगे तो आप पूरा 100% क्रेडिट ले लो। पूरा 100% क्रेडिट लेने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रिमूव कर रहे हो तो क्रेडिट वापस करना पड़ेगा ना, जब क्रेडिट वापस करोगे तो 100% ही वापस करोगे, 50% क्रेडिट लेके 100% वापस करने की बात करेंगे तो गलत बात है। ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में, 1 साल 1.5 साल ऐसे चलाया, 50% ही लेना क्रेडिट, अब जब गुड्स किसी और को रीसेल कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो उस समय 100% वापस करो। 50% क्रेडिट लेके 100% वापस करने का मतलब 50% का तो लॉस हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया नहीं, सेम फाइनेंशियल ईयर में रिमूव करोगे पूरा 100% क्रेडिट ले लेना ताकि वो 100% आप वापस कर सको। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर यह समझा दूंगा, देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखिए ये कैसे करते हैं, ये तो मेमोरेंडम स्टाइल में दिखाऊंगा, ये प्रॉपर सेनवेट क्रेडिट अकाउंट नहीं। देखिए सेनवेट क्रेडिट अकाउंट ही समझो, ये एक्चुअल ऐसा अकाउंट नहीं है, जस्ट क्रेडिट है ना, क्रेडिट का नाम लेके आपने कैपिटल गुड्स लेके आए, ड्यूटी आपने 1 लाख रुपया पे किया, 1 लाख रुपया पे किया, मान लो जनवरी में आप लेके आए, जनवरी 1 को आपने क्रेडिट लिया, लेके आए तो लिया क्रेडिट 50,000, इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते आप। SSI तो बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस में नहीं आ रहा है, 50,000 ही लिया क्रेडिट, क्योंकि 50,000 ही ले सकते, उससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते, लिया। नेक्स्ट क्या हुआ,
March, same financial year, March 10th को ये goods किसी और को resale कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, remove कर रहे हो, sale कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. So March में, March 10th को आप remove कर रहे हो तो remaining 50% भी ले सकते हैं. तो पूरा क्रेडिट सेम फाइनेंशियल ईयर में कितना मिला, पूरा मिल गया. क्यों ले सकते हो यहाँ पे, जिस बंदे को आप दे रहे हो उसको बिल काट के दोगे, इनवॉइस बना के दोगे तो पूरा रिवर्सल क्रेडिट. तो जब किसी को दे रहे हो तो पूरा 1 लाख का क्रेडिट वापस करना पड़ेगा ना, एक क्योंकि बिल में लिख के पूरा. तो 1 लाख वापस करने के लिए तो आपके पास क्रेडिट, आपने 1 लाख पे किया तो पूरा ले लिया और पूरा वापस कर दिया आपका एक्सप्लोर. तो इसीलिए 100% लेने की बात कर रहे हैं, 100% लिया, 100% वापस किया.